माई डियर स्टूडेंट्स एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल डी जी स्किल अकेडमी पे। और हम यहाँ पे आपको MBBS BDS के बारे में जानकारी देते हैं और हम लोग आपको कॉलेज के लाइव विजिट कराते हैं और आपको पूरे जानकारी देते हैं कि MBBS के काउंसलिंग कैसे है, इसके प्रक्रिया क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, कॉलेज की विजिट करने के बाद उसके रिलेटेड सजेशन, फी स्ट्रक्चर और टोटल जेन्युइन काउंसलिंग फॉर MBBS प्रोसेस। यहाँ पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको डिटेल्स कॉलेज के बारे में बताएंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू विजिट दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल एंड शनका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज़ अंडर शनका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंड यहाँ पे हम लोग अगर दुर्गापुर में आए हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग आज के कॉलेज विजिट कर रहा है कि सनका एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वी आर लाइक टू शो यू द डिफरेंट आउटसाइड ऑफ दैट कॉलेज, इनसाइड द कॉलेज दे आर हॉस्पिटल, दे आर एकेडमिक बिल्डिंग्स एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग। सो आ चुके हम ये कॉलेज में और यहाँ पे दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर is situated just 3 hours journey from Kolkata city. Durgapur is well connected with the all over India with air flight and railway and by road also. And यहाँ पे दुर्गापुर main stand से जो है आपका कॉलेज लगभग 6-7 किलोमीटर है और हम लोग यहाँ पे आपके कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग कॉलेज के एंट्री करेंगे। एंड देन आफ्टर वी लाइक टू शो दैट हाउ दिस कॉलेज इज, इसके डिफरेंट क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या उसके अपॉर्चुनिटी है सब डिस्कस करेंगे। हम आ चुके कॉलेज में और शुरू में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंट्रेंस में सनका हॉस्पिटल एंड दैट बैक साइड एकेडमिक बिल्डिंग। एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो हॉस्पिटल है 7 stories हॉस्पिटल, उसके अंदर भी जाएंगे। इसके पहले कॉलेज के बारे में जो कॉलेज की खूबियाँ हैं, कॉलेज के डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सनका एजुकेशनल ग्रुप का जो श्री रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है और इसको हम लोग शॉर्ट में सनका मेडिकल कॉलेज बोलते हैं और यहाँ पे इनका श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज है जो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ साथ में इनके जो है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज है, इनके पैरामेडिकल कॉलेज है, इनका नर्सिंग कॉलेज है और अभी रिसेंटली 2017 में वो इंस्टीट्यूट हुआ था मेडिकल इंस्टीट्यूट और 19 से इनके फुल बैच चालू है। और देन आफ्टर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वास्ट ग्रीन एरिया में है और रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस इन ऑल देयर हॉस्पिटल, देयर कोविड टाइम पे इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बढ़िया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स अभी जानेंगे। सनका हॉस्पिटल हैव 385 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मलानधिगी दुर्गापुर में है और ये 4 साल से अभी ऑपरेशनल है। इनके पास 30,000 सेटिस्फाइड इंडोर पेशेंट है जो ट्रीटमेंट हो चुका है इनका और 15,000 प्लस सक्सेसफुल सर्जरी हो चुका है, 3,000 प्लस इनके आई सर्जरी हो चुका है और रिसेंटली सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ईस्टर्न इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल सनका मेडिकल हॉस्पिटल के एंटर एरिया में बन रहा है। तो जो स्टूडेंट बाद में PG करेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा यहाँ पे और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट को जो है, जितने स्टूडेंट हमारे पहले से पढ़ रहे हैं इनको है कि एकेडमिक्स इनका बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है और बाकी इनका जो पैशन फ्लो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली अच्छा है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पैकेज लिया जाता है, कोई भी नो हिडन कॉस्ट है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स को सही से पढ़ाई और इसका रिलेटेड जो है उसका फीस वहाँ पे होता है। ड्यू टू इन 2020 एंड 21 यहाँ पे जो कोविड टाइम था, ये सेंटर हुआ करता था कि पूरे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड पूरी एरिया से यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कोविड पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया था। गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया गया था, तो इससे साबित होता है कि कॉलेज के पास में और इसके मेडिकल जो हॉस्पिटल है इसके पास में क्या कैपेबिलिटी है सो दैट दे कैन ट्रीट
thousands of COVID patients here. So hi, मैं हूँ सत्य विश्वास, डायरेक्टर ऑफ डिजी स्किल अकेडमी. हम लोग आपको जेन्युइन काउंसिलिंग, जेन्युइन कॉलेज विजिट और एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं. और वी आर वन ऑफ द टॉप 10 जेन्युइन काउंसिलर इन इंडिया. सो दैट यू शुड नॉट गो फॉर एनीवेयर एल्स फॉर द एनी काइंड ऑफ एजेंसी और फ्रॉड. सो दैट आपका सही जानकारी, सही काउंसिलिंग और सही एडमिशन के लिए वी आर ट्रीटिंग लाइक दैट. यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में. कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग में हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एडमिशन डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे फ्यूचर ऑफ शनका यहाँ पे बताया गया है. और सी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग इन ट्रिमेंडस वे. यहाँ पे साइड में आपका लेक्चर हॉल है एंड देन आफ्टर एंट्रेंस यहाँ पे फुल्ली एसी क्लासरूम्स हैं. और देन आफ्टर आपको साथ में जो है ओपीडी है, यहाँ पे हम लोग आपको लेके आए हैं. और ओपीडी में यहाँ पे जो पेशेंट है इसकी फ्लो है और बहुत ही एक कॉरपोरेट टच दिया गया है यहाँ पे हॉस्पिटल का जो हम लोग देख रहे हैं. एंड विल सी दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन आफ्टर विल गो टू द इनसाइड द मेन हॉस्पिटल ऑल्सो. तो यहाँ पे इनसाइड फार्मेसी है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पे हैं. और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है. हम लोग इनसाइड यहाँ पे अभी जाएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी है. और इनसाइड द डिफरेंट डिपार्टमेंट के होते हुए हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर. यहाँ पे साइड में आपका इनके जो एकेडमिक्स रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग है वो वहाँ पे है. इमरजेंसी विभाग में हम आ चुके हैं और हम लोग अभी एंट्री लेंगे. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनके कौन से डिपार्टमेंट में कितना पेशेंट है. और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बाकी कोई भी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली वी आर एडजस्टिंग टू दिस कॉलेज सो दैट वी कैन टेक इन परमिशन टू शो यू द इनसाइड हॉस्पिटल ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑल्सो. देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग आपको जो डिपार्टमेंट्स है. यहाँ पे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और डिफरेंट डिपार्टमेंट है. तो डिफरेंट यहाँ पे 7 मंजिला हॉस्पिटल है. यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे दिया गया है. तो हम लोग यहाँ पे गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ओटी, देन आफ्टर आपका ऑर्थोपेडिक्स एंड अदर जनरल सर्जरी सब डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे. यहाँ पे आपका हर एक डिपार्टमेंट में जैसे कि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स आ गए हैं, यहाँ पे फीमेल वार्ड और मेल वार्ड अलग से हैं. यहाँ पे सर्जरी का अलग से जो जो है पेशेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. विल शो यू द डिफरेंट, दिस इज द ओवरव्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हॉस्पिटल, द व्यू ऑफ योर नो कॉलेज कैंपस. जस्ट बिहाइंड इट द हॉस्पिटल इज देयर. हम लोग 6th फ्लोर में अगर आ गए तो यहाँ पे डिफरेंट हम लोग जो डिपार्टमेंट है उसमें देख रहे हैं. जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है 4th फ्लोर में. यहाँ पे फिर से हम आ चुके हैं और यहाँ पे फैकल्टी रूम्स भी हैं उपलब्ध हैं. डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. और अगर हम आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में देखने के बाद में आपको एक समय धारणा हो गया होगा कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी अच्छा है और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी जो है यहाँ पे किया जा रहा है. ये एक लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है दुर्गापुर मेन सिटी से. तो जो रूरल और अर्बन दोनों साइड से ही यहाँ पे पेशेंट फ्लो होता है. यहाँ पे स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सीखने के लिए जो है पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए. यहाँ पे ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट मेल और फीमेल दिखा रहे हैं. ENT डिपार्टमेंट है. हम लोग आपको USG में जो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरे और MRI यहाँ पे होता है. गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं. नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट यहाँ पे इनसाइड द बिल्डिंग होता है. और यहाँ पे ओवरव्यू हम दिखा रहे हैं कि एक लार्ज ग्रन एरिया में कॉलेज जो है ये सिचुएटेड है. सो दिस कॉलेज इज ओवरऑल इन ए गुड पोजिशन टू गिव यू द प्रॉपर एडुकेशन साइड बाई साइड द प्रॉपर पेशेंट केयर ऑल्सो. एंड वी होप यू हैव सीन दिस थिंग. एंड दिस कॉलेज के कोई एडमिशन की प्रक्रिया है उसके लिए हम आपको डिफरेंटली जानकारी देंगे. यू कैन कॉन्टैक्ट विथ अस. थैंक यू सो मच.